कोरोना के कारण देश और दुनिया में संकट के ऐसे काले बादल छाए हैं कि हटने का नाम नहीं ले रहे। जिंदगी के साथ ही सब कुछ थम गया है, लेकिन हमेशा ऐसा रहना संभव नहीं है और जिंदगी का पटरी पे आना भी जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे रेलवे ट्रेनों को पटरी पर ला रही है, लेकिन कुछ नियमों के साथ और इसी क्रम में अब दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए DTC की बसें चलने लगी हैं। ये बसें ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचाएंगी। बस में कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केजरीवाल सरकार ने ये फैसला ट्रेन चलने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने और वहाँ पहुँचने में यात्रियों को हो रही समस्या के कारण लिया है। स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेनों के जरिए दिल्ली से बाहर से आने वाले तमाम लोगों को बॉर्डर इलाके तक छुड़वाने के लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा DTC बसों का इंतजाम किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ये बसें खड़ी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम मुसाफिर हैं बाहर से आए हैं वो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सामान लेकर के वो लोग आए हैं और बाकायदा मास्क लगा करके ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कि DTC बसों में इनको बैठाया जा रहा है। जो लोग उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं उनको ये DTC बस बॉर्डर पर ले जा करके छोड़ देगी और उसके बाद जो लोग हरियाणा जाने वाले हैं उनके लिए इन बसों का इस्तेमाल किया गया है, प्रबंध किया गया है। ये बसें हरियाणा के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ेंगी। बाकायदा देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगाकर इन लोगों को यहाँ पर बसों के अंदर बैठाया जा रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं जी उड़ीसा। उड़ीसा से आप कहाँ जाना है आपको? हम जाएंगे बागपत। बागपत जाएंगे जी। तो इन बसों के जरिए आपको लेकर के जा रहे हैं जी। जाहिर तौर पर उड़ीसा से ये लोग आए हैं जो फंसे हुए थे और अब बागपत जा रहे हैं, यानी कि इनको UP बॉर्डर तक इस बस के जरिए यहाँ पर बैठाया जाकर बाकायदा दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखवाने के लिए यहाँ पर है। बाकायदा लाइन लगाकर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब बसों के अंदर जा रहे हैं और इन बसों के जरिए बॉर्डर इलाके तक जाएंगे और आगे उत्तर प्रदेश सरकार इनको इनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था कर रही है। ये जो बसें हैं इनका संचालन आज से किया गया है। दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय से इसके लिए मंजूरी मिल गई है और जो भी रेलवे स्टेशन जिस भी अधिकारी के अंतर्गत आता है उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अभी शहर में सरकारी बस सेवा शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अब लोगों के बीच है और ऐसे में यात्रियों का DTC का सफर पहले जितना आसान नहीं होगा, सवारियों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। क्या होंगे DTC बस में सफर करने के नए नियम? एक बस में केवल 20 यात्री कर सकेंगे सफर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट छोड़कर बैठना होगा। बस की क्षमता के अनुसार 50 यात्री ही करेंगे सफर। बसों में टिकट के लिए लाया जा सकता है डिजिटल पेमेंट का विकल्प। मास्क पहनना हर यात्री के लिए अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप के बिना भी बस में रोकी जा सकती है एंट्री। इतना ही नहीं, बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और मार्शल को भी विशेष ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही हर यात्रा के बाद बस को सैनिटाइज भी करने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।